जो टेक्निकल स्टेप्स हैं, जिस तरीके से आप कुफर को उसी की, और हम मंदिर वाली जगह पे जाके अगर नमाज अदा करके आए हैं तो उस पे भी लोग हमसे नाराज हुए कि जी आप पैंट शर्ट क्यों पहनी हुई थी। ओ भाई, अकवाम आलम को जब आपने थप्पड़ मारना है तो वही मॉड स्कॉट तरीके में घुस के मारना है ताकि कोई एतराज। देखे हमारी जगह कोई आने में दीन नमाज पढ़ाता तो उन्होंने कहना था ये देखो मौलवी है जाके कब्जा कराए हैं। हम क्यों मदरसे का इमेज पामाल करवाना चाहते, अकवाम आलम में क्यों बदनामी करते। हमने तो कहा हम तो यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, जनाब तुमने ही हमें लॉर्ड मैकाले का तालीमी निसाब दिया है कि कब्जा करना है, हम जाके कब्जा कर रहे हैं पैंट शर्ट पहन के। हमने 11 सितंबर को रैली निकाली पिंडी में ये गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ। हमें पता था हमारे ये 2-4 किलोमीटर के मार्च से वो खाके तो नहीं रुकने, लेकिन दो पैगाम जाएंगे। अब ये टेक्निकली किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये करने क्या जा रहे हैं। पहला काम ये था कि चलो ठीक है, दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान का नौजवान जागा हुआ है। असल पैगाम क्या था कि उस पूरी रैली में आप लोगों में से जिसने भी देखा होगा सबसे ज्यादा नारा जिहाद का लगा, और बाद में पता चला यार ये 11 सितंबर तो 9/11 है। बिल्कुल, जिस दिन अमेरिका ने पूरी दुनिया से जिहाद के नैरेटिव को दहशतगर्दी से कंपेयर किया था, उस दिन हम लोगों ने उसके 18-20 साल के बाद उसी नारे को पिंडी में दोबारा। कि जब बलूचिस्तान का प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान करता है हमारे खिलाफ और उस पर हमारे ये थर्ड क्लास स्टेक होल्डर्स कोई रिस्पांस नहीं देते, तो हमने सोचा फिर खालिस्तान के सिखों को खुद ही ऑन बोर्ड लिया जाए। हमने सोचा फिर हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ के लोगों को खुद ही ऑन बोर्ड लिया जाए, और इंशाल्लाह 22 नवंबर को आप फलस्तीन के स्टूडेंट लीडर्स को भी इंशाल्लाह फलस्तीन के स्टूडेंट लीडर्स को लियाकत बाग में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आप वहाँ पर तुर्की के स्टूडेंट लीडर्स को देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम ममालिक के साथ साथ जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ के भी जो मुसलमान स्टूडेंट लीडरशिप है उन सब का आलमी सतह का एक बहुत बड़ा अलाइंस बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की जो तहरीक की अमली सूरत है इंशाल्लाह उनकी वालिदा, उनकी बहन, उनकी पूरी फैमिली को लियाकत बाग में दिखाई देगा, और वहाँ पर प्रैक्टिकली हम कौम की बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, पूरी तहरीक का आगाज़ होगा। हम लोगों ने कोई वहाँ पर जाके आप लोगों से वोट नहीं मांग रहे, हम लोगों ने जिस नज़रिए के लिए चल रहे हैं उस नज़रिए पर ही काम करना है। लिहाजा कोई इस वो घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये क्यों आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और आपकी नून लीग, इनके वर्कर्स ने भी किसी दौर में भुट्टो को ख़त्म नबूवत पे वोट दिया था। मुस्लिम लीग भी उस दौर की नुमाइंदा मुसलमानों की जमात समझी जाती थी। तहरीक इंसाफ को भी रियासत मदीना के नाम पे मिला। मैं इन तमाम के वर्कर्स से कहता हूँ कि अगर आपको मायूसी महसूस हो रही है तो फिर मैदान अमल में निकलें इन चोरों डाकुओं लुटेरों के खिलाफ, और मैदान अमल में निकलें कौम की बेटी को वापस निकालने के लिए। आप अपनी पार्टियों को कह दें कि जनाब बाद में भी शायद हम नलका पक्का कराने पे या कीमे वाले नान पे आपके आगे बिक जाएं या ना बिकें, लेकिन फिलहाल हमने कौम की बेटी को वापस लाना है, हमारा प्राइम फोकस। फिलहाल शहीद भाई कदम बढ़ाओ।